आजमगढ़ के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में आजमगढ़ भी पूरी तरह से बीजेपी मय होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने यहां पर भारी मतों से जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा है। शिकस्त मिली है उन्हें दिनेश लाल निरहुआ के सामने, यानी समाजवादी पार्टी के इस किले पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी मय हो चुका है आजमगढ़, यहां पर बीजेपी को भारी मतों से जीत दर्ज हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा था। 2019 के चुनाव में भी वो उम्मीदवार रह चुके हैं और इसके बाद इस बार भी निरहुआ पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया था और इसके पहले निरहुआ को अखिलेश यादव ने शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार निरहुआ ने इस सीट से जीत हासिल की है और अखिलेश यादव ने हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके लिए इस सीट को छोड़ा था। अब ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले से छटक कर बीजेपी की हो गई है। आजमगढ़, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उसमें अब बीजेपी ने परचम लहरा लिया है, जो कि काफी बड़ी खबर मानी जा रही है। सूबे की सियासत के लिहाज से काफी अहम खबर मानी जा रही है कि आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने भारी मतों से जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा है इस सीट से।